गाइज़ 11 बज चुके हैं और मैं एयरपोर्ट के लिए निकल चुका हूँ। वेल आइडिया तो है जितना मैक्सिमम हो सके रिकॉर्ड करके दिखाऊँ मेरा एक्सपीरियंस बेलग्रेड एयरपोर्ट से फ्रैंकफर्ट तक और फ्रैंकफर्ट से वैंकूवर तक। होपफुली एवरीथिंग गोज़ गुड, जैसे कि मैं मैक्सिमम रिकॉर्ड कर सकूँ और आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो इसी होप के साथ एयरपोर्ट पहुंचते हैं और टैक्सी हालाँकि मैंने पहले से ही बुला दी थी, तो 11 बजे तक आ गई थी टैक्सी। तो यहाँ की टैक्सी में ना जो इनका मीटर है ना इतना ज़ोर से भागता है, पता नहीं अब भी मैं इसमें बैठा हूँ और 170 से तो वैसे शुरू होता है इनका बेस प्राइस और उसके बाद खचाखच चलता रहता है। वो वहाँ पे देखो वो मिरर में वो जो अभी 494 497 वो 500 ये है इनका प्राइस। कितनी टकाटक घोड़े की तरफ भाग रहा है यार। मुझे इनका कैलकुलेशन कभी समझ में नहीं आया कि कैसे इनका कैलकुलेशन है, क्योंकि स्टार्टिंग ही 170 से होती है और उसके बाद किस हिसाब से इधर किलोमीटर या फिर मिनट या पता नहीं, ये मुझे पता लगाना पड़ेगा। हालांकि देश तो छोड़ के जा रहा हूँ, होपफुली एवरीथिंग गोज गुड और उसके बाद मैं आज निकल जाऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इंटरनेट में इसका सर्च करके तो देखूँगा कि क्या कैलकुलेशन इनका। समझना तो चाहिए ना यार, मतलब अगर दे रहे हो तो फिर उसका क्या कैसे कैलकुलेशन हुआ है वो तो जानना चाहिए। तो हालांकि वो तो बाद की बात है, अब निकलते हैं एयरपोर्ट की तरफ और मैं आपको मिलता हूँ वंस आई रीच एट एयरपोर्ट। और ये भी बताता हूँ कि मेरे होटल से एयरपोर्ट का खर्चा कितना लगा मुझे टैक्सी में, वो भी रात को फ्री रोड में। टाइम हो रहा है 11:45, 11:30 बजे मैं पहुँच गया था। लगभग 30 मिनट की जर्नी थी कैब में और पैसे लगे 2500 सर्बियन दिनार, विच वॉज इक्वल टू जब मैं गया था पहली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि 1500 वो पूछ रहा है, लेकिन उसने 2500 लिए थे विच इज़ क्वाइट जेन्युइन, क्योंकि आते हुए मैंने रास्ता देखा, इट वॉज एक्चुअली द डिस्टेंस एंड एक्चुअली वॉट द मीटर रीडिंग गिव्स द फेयर। तो ये हो गई टैक्सी की बात। द अपडेट अबाउट द एयरपोर्ट, अभी तक गेट्स ओपन नहीं हुए हैं क्योंकि 6 बजे की फ्लाइट है, इट्स स्टिल 6.5 hours लेफ्ट। आई बिलीव बाई 3 or 4 hours बिफोर द फ्लाइट डिपार्चर गेट्स ओपन हो जाने चाहिए और जैसे ही होते हैं मैं इन बैग्स को चेक इन करके थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगा। अदरवाइज टॉयलेट भी जाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है कि बैग्स कहाँ रख के जाऊँ, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। अनदर पॉइंट, इस एयरपोर्ट में टर्मिनल से पहले जो सिटिंग एरिया है वहाँ पे एक भी कॉफ़ी शॉप नहीं है। मीन्स इट्स अ वेरी कॉमन फैसिलिटी एवरी एयरपोर्ट हैज़। इनफैक्ट द इंडियन रेलवे स्टेशन में भी होता है कि कॉफ़ी शॉप्स तो मिल जाते हैं, बट आई डोंट नो हाउ द एयरपोर्ट इज़ डिज़ाइंड। बहुत छोटा एयरपोर्ट है लेकिन एक कॉफ़ी शॉप तो होना चाहिए था। सर जर्मनी में ये फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं, मुझे पता है, मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया बेलग्रेड से जर्मनी तक का। अभी 5.5 घंटे का ले ओवर है, उसे सारा डिटेल्स बैठ के एक्सप्लेन करता हूँ। ज़्यादा कुछ खास है नहीं लेकिन फिर भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये पीछे मेरे हैं फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट, तो गिव मी सम टाइम, लेट मी रीच ऑन द टर्मिनल एंड सिट रिलैक्स एंड तो जैसे कि आपने देखा ये है एयरपोर्ट के अंदर का कनेक्टिंग रेलवे, इसको बोलते हैं स्काई लाइन। तो मैं अभी हूँ टर्मिनल 1 में और मुझे जाना है टर्मिनल 2 के बी सेक्शन में,
क्योंकि मेरा जो फ्लाइट है वो है B28, तो फिर बी सेक्शन और 28 नंबर गेट। तो फिर ये कैसे पता चला मुझे, जब पहले भी मैंने इथियोपिया में दिखाया हुआ है कि कनेक्टिंग फ़्लाइट कैसे लेते हैं, तो सिंपल आप स्क्रीन में अपना फ़्लाइट नंबर सर्च करो, जो फ़्लाइट नंबर है तो आपको वहाँ पे साइड में दिखा देगा कि कौन से गेट से ये डिपार्ट हो रहा है। तो इट्स वेरी इजी इनफैक्ट। तो फिर अब मैं इस ट्रेन का वेट करूँगा। ये ट्रेन टर्मिनल ए, यहाँ पे जैसे स्क्रीन में लिखा हुआ है, टर्मिनल वन में बी और सी है, टर्मिनल टू में डी और ई है। तो अभी मैं बी में जाके अपने गेट की तरफ, या फिर बहुत टाइम है मेरे पास, 5.5 घंटे। तो यार ये मैडम बहुत बकबक कर रही है। स्काई ट्रेन से उतर के मैं यहाँ पे एक रिक्लाइनिंग चेयर है तो वहाँ पे बैठ गया हूँ। तो एक्सप्लेनिंग ऑल द प्रोसेस आफ्टर आई रीच्ड बेलग्रेड एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे आके फिर बहुत टाइम था तो फिर मैं थोड़ा सा सो गया था। लगभग 3:30 बजे लुफ्तांजा के काउंटर्स खुले और खचाखच भीड़ थी। इट वॉज 80-85% वे इंडियंस एंड 15% वे अदर नेशनैलिटीज़। और द डॉक्यूमेंट वॉट लुफ्तांजा आस्ड मी टू इशू अ बोर्डिंग पास वॉज माई अप्रूव्ड वीज़ा ऑफ कैनेडा एंड माई नेगेटिव RT-PCR या फिर PCR रिपोर्ट विच वॉज डन एट बेलग्रेड्स। सो ये था, जैसे ही मैंने ये दो डॉक्यूमेंट्स दिखाए उन्होंने बोर्डिंग पास इशू कर दिया। एंड उसके बाद आके मैं फ़्लाइट में बैठ गया। लगभग 2 घंटे का जर्नी था फ्रॉम बेलग्रेड्स टू फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट में जैसे ही फ़्लाइट से निकल रहे थे तो फ़्लाइट से निकलने के इमीडिएटली बाद जर्मन इमिग्रेशन वाले खड़े थे एंड दे वर जस्ट लुकिंग द कैनेडियन अप्रूव्ड वीज़ा। डूइंग अ ट्रांजिट इन जर्मनी यू नीड अप्रूव्ड कैनेडियन वीज़ा। सो दैट वॉज द स्टोरी टिल नाउ। आगे सबसे मेन चीज़ है, जबकि मैं बोर्ड करूँगा लुफ्तांजा फ्रॉम फ्रैंकफर्ट टू वैंकूवर तो वहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं क्या नहीं मांगते हैं, दैट्स स्टिल पेंडिंग एंड आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स वंस आई गो थ्रू दैट।